अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। दिस इज मी महरीन दानिश, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। जी तो आपको पता है कि जैसे हमारी वेडिंग सीरीज चल रही थी तो आज फाइनली मतलब वो दिन आ गए हैं जिसे कहते हैं मेहंदी, बारात और वलीमा। तो आज हम लोग आए हैं, ये आपको मेरे पीछे सैलून का नाम नज़र आ रहा होगा, अली बाबा सैलून। आप इसको इंस्टाग्राम पे चेक भी कर सकते हैं और अगर आपको हमारा मेकअप पसंद आए तो आप इसको फॉलो भी कर सकते हैं। तो आज है हमारे मेन फंक्शन का डे वन, यानी कि आज है मेहंदी की रस्म, कल होगी बारात और परसों होगा वलीमा। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि मैं डे टू डे सारे व्लॉग एक साथ साथ लगाती जाऊँ, डिले ना करूँ और स्टे ट्यून, क्योंकि मैं जो भी इतनी मेहनत कर रही हूँ वो ऑब्वियसली बात है आप लोगों के लिए कर रही हूँ। और ये प्लीज़ ज़रा हुलिये को आपने इग्नोर करना है, पिछली आवाज़ों को आपने इग्नोर करना है। तो चलें जी, अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपने मेकअप से और मैं आपको अपना कॉस्ट्यूम दिखाऊंगी और उसके बाद मेहंदी की रस्में इंजॉय करेंगे। तो चलें जी, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब सबसे पहले ये लोग हेयर डू स्टार्ट करेंगे, मेकअप स्टार्ट करेंगे और स्टेप बाय स्टेप मैं आपको दिखाती जाऊंगी। और एट द एंड आपने मुझे बताना है कमेंट्स करके कि आपको मेकअप कैसा लगा है। वैसे मैंने उनको कहा है क्योंकि आज मेहंदी है तो नॉर्मली लोग मेहंदी पे तैयार नहीं होते हैं, शायद ये ब्राइड्स ऐसा करती हैं, लेकिन जो गेस्ट होते हैं उनको तो तैयार श्यार होके जाना चाहिए। तो चलें जी, अब देखते हैं हमारा मेकअप कैसे स्टार्ट होता है एंड व्हाट इज़ द एंडिंग लुक। सो दैट्स व्हेन माय मेकअप स्टार्टेड एंड बिफोर डूइंग द मेकअप द आर्टिस्ट आस्क मी रिगार्डिंग माय स्किन, लाइक इफ़ यू हैव रिंकल्ड और ड्राई स्किन तो उसके अकॉर्डिंगली उसको सेट करेंगे, बट इफ़ यू हैव ऑयली और कॉम्बिनेशन स्किन देन दे विल डिसाइडेड कि वो कैसे इससे डील करेंगे सो दैट द मेकअप स्टेज फॉर लॉन्गर विदाउट ब्रेकआउट एंड प्रॉपर कवरेज। It was time for base and they even asked me if I wanted light color or dark, लेकिन मुझे अपनी skin tone से बिल्कुल similar color चाहिए था क्योंकि मुझे अपने makeup को बहुत light रखना था। And the staff is very nice, they were super conscious about everything. The best part is that they are using high-end brands and local products are very reliable and very famous here. When they did my eyes, the eye shade they applied like a pro literally. I am in love with it. Meanwhile, they offered me tea or coffee, लेकिन मैंने कॉफ़ी चूज़ की और बिलीव मी इस टाइम मुझे बहुत शदीद ज़रूरत थी कॉफ़ी की और मुझे पी के बहुत मज़ा आया। स्टाफ इनका बहुत बहुत अच्छा है, हाईली रिकमेंडेड प्लेस। मैं आप लोगों को ज़रूर इसका जो है लिंक वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग चेक कर लीजिएगा। मैं इसका एड्रेस भी आप लोगों को डाल दूँगी लिंक में, ये देखें कि बहुत ज़बरदस्त। यहाँ भी मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पर दो आर्टिस्ट थे, एक मेल और एक फीमेल, और वो दोनों मिल के जो है मेरी आई को प्रॉपर कवरेज दे रहे थे। यहाँ पे जो हेयर डू की आर्टिस्ट हैं उन्होंने मेरा हेयर स्टाइलिंग जो है उसको स्टार्ट कर दिया। मुझे मिड पार्टिंग चाहिए थी बिल्कुल स्लाइट लुक के साथ विद अ बिट ऑफ बैक कॉम्बिंग विद कर्ल्स, तो वो मैं आपको आगे चल के दिखाती हूँ। Okay guys, let me know in the comment how much do you like it. Now this is my final look और बस इससे ज़्यादा मैं ज्वेलरी और कैरी नहीं करूँगी क्योंकि ड्रेस ऑलरेडी बहुत हैवी है। तो आप मुझे बताइएगा आपको मेरा मेकअप कैसा लगा, हेयर डू कैसा लगा, और अगर आपको ये पसंद आया तो ये सैलून जो है ये मॉडल टाउन में, मैं डिस्क्रिप्शन में इनका लिंक डाल दूँगी, नंबर डाल दूँगी, लोकेशन डाल दूँगी। और मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ रहा है, देखें देखें।
फाइनली रीच्ड ऑन टाइम, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंची हूँ और साथ ही जो है वो दूल्हे वाले भी आ गए थे और ये बड़ा मजा आया। ये सब अरेंजमेंट्स हम लोगों ने घर की छत पे किए हुए थे, लेकिन दरअसल बात होती है कि आप किसी भी फंक्शन को कितना एंजॉय करते हैं। इस फंक्शन में हम लोगों ने बहुत एंजॉय किया, खुशी आप लोगों को हमारे फोटो में नजर आ रही होगी। और चलिए मैं आपको कुछ दिखाती हूँ, खाना पीना और स्टेज वगैरह। तो ये है जी ब्राइड एंड ग्रूम, ये देखिए हम लोगों ने थोड़ी बहुत ये डेकोरेशन करवाई हुई थी। और जो दुल्हे हैं उनकी आज बर्थडे थी और यहाँ पे केक कट किया जा रहा है और बहुत एंजॉय हो रहा है। हम लोग लड़की वालों की तरफ से हैं तो यहाँ पे सब बारात के आने का वेट कर रहे हैं, फूल हाथ में पकड़ते हुए। इतना ट्रेडिशनल है कि मुझे बहुत पसंद है। यहाँ पे मैंने कहा आपको एक लुक दिखा दूँ हॉल की, सब कुछ ही माशाल्लाह बहुत प्यारा लग रहा है। और चलें अब चलते हैं लड़के वालों को रिसीव करने। खाना सर्व हो गया है, अब हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद बहुत ही मज़े की रस्म होने वाली है जिसे कहते हैं दूध पिलाई, एंड वन ऑफ माय फेवरेट। ये है डे 3, वन ऑफ माय मोस्ट फेवरेट इवेंट, क्योंकि ये बहुत पुरसकून होता है, बस खाना शाना खाएं और घर चले जाएं। दुल्हा दुल्हन दोनों की एंट्री बहुत ही ड्रामेटिक और बहुत ज़बरदस्त थी। अभी बल्कि मैंने थोड़ा सा शूट नहीं किया, वो साइड से पार्टी पॉपर्स भी चल रहे थे और फायरवर्क भी हो रहा था और बहुत ज़बरदस्त, मतलब बहुत ही ज़बरदस्त। जी तो शादी हो गई है ख़त्म, थकावट वाले सारे काम ख़त्म हो गए हैं। अब ज़रा कुछ करेंगे बालों की लुक आफ्टर, कुछ स्किन की, क्योंकि इतने दिन में स्किन के ऊपर इतना मेकअप, इतनी प्रोडक्ट्स, तो अब ज़रा ऑर्गेनिकली कुछ इन सारी चीज़ों को हम लोग सेट करेंगे। तो आपको मेरा शादी का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में। एज़ यूजुअल वीडियो को प्लीज़ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। आपके जो कमेंट्स होते हैं ना वो मुझे बहुत मोटिवेट करते हैं। तो चैलेंज ही मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।